Security has been beefed up in parts of Delhi and UP in view of the Delhi Chalo March scheduled today on 13th February. Security force personnel have been deployed in several border areas like Singhu, Shambhu, and Jharodha borders to avoid untoward incidents. Huge boulders, barricades, and wire fencing have been placed on highways in view of the farmers' march. Northeast Delhi DCP Ankit Singh talked about the arrangements ahead of the march. जैसा आपने जिक्र कर दिया है कि 144 धारा लगी हुई है और लोगों का समूह में आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना प्रतिबंधित है या किसी तरीके का वेपन लाठी ये सब लाना प्रतिबंधित है। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस की फ़ोर्स, CAPF सभी का यहाँ पर अरेंजमेंट लगा हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन थे और उसके साथ साथ हमने अदर एजेंसीज से रिक्वेस्ट करके इस बॉर्डर को प्रॉपर सील करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि इस बॉर्डर को किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता। सर, देखा जा रहा है यहाँ पे मिट्टी के ट्रक खड़े कर रखे हैं, कहीं कांटेदार यहाँ पर तारे लगा रखी हैं, तो किस तरीके से तैयारी और कल रात से चालू कर रखी है और ये कब तक रहेगी? ये तैयारी जब तक ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन, अगर ये धारा 144 लागू रहेगी तब तक इस तरीके की तैयारियां पूरी रहेंगी। साथ ही साथ न केवल ट्रक बल्कि जर्सी बैरियर और बाकी संसाधन हमने यहां पर उपलब्ध कर रखे हैं। जिस समय ही ये लगेगा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करते हुए इस बॉर्डर की तरफ पहुंच रहा है तो इमीडिएटली हम इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। द्वारका डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के अलावा यहां पर किसी और भी आपको बुलाया गया या कोई और फोर्स यहाँ पर तैनात की गई? हमारे पास CAPF भी है, हमारे पास क्राइम ब्रांच का पूरा स्टाफ है, हमारे पास बटालियन से स्टाफ है और जितने भी अदर यूनिट्स हैं इम्पोर्टेंट उससे भी PNL और सभी से स्टाफ मिला हुआ है यहाँ के लिए। तो यहाँ पर टोटल लगभग 2000 से ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। Farmer leader Lakhvinder Singh ahead of Farmer Delhi Chalo protest said that the people are ready and a meeting is also happening. We will march forward as soon as we get the direction. अभी देखिए सभी लोग एकदम रेडी हैं, मीटिंग चल रही है। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंग लगा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं, शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। हाँ, परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है, हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं पूरी तैयार करके रखी हुई हैं और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता फिर देखा जाएगा। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।